संजय कृष्णा जी, वो कहते हैं कि टू साइड्स ऑफ द कॉइन, तो मैं इसका दूसरी तरफ का पहलू क्या है वो समझना चाहती हूँ, क्योंकि बीजेपी किसी भी राज्य में जब काम करती है तो संगठन पर मजबूती हो इस स्तर पर काम करती है। अब AIADMK से दूरी बनाने की वजह आखिर आपको क्या नजर आती है? क्या बीजेपी DMK के बाद दूसरे नंबर की पार्टी बनना चाहती है तमिलनाडु में, ये उसकी कोशिश नजर आती है? या फिर इसमें एक कॉम्बिनेशन ये भी देख सकते हैं कि अगर AIADMK के साथ जाती बीजेपी तो ज्यादा फायदे का सौदा तमिलनाडु में उसके लिए होता? जी पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे अपने शो में बुलाया। जी सर। और अब समय सिर्फ 25 मिनट रह गए हैं, तो एक अपील भी हम कर दें देश के इस महापर्व के लिए कि भाई जो घर में बैठे हैं वो थोड़ा जल्द से जल्द निकले और हमारे वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाएं, क्योंकि आपके घर बैठने से आप जिसको जिताना चाहते हैं वो नहीं जीतेगा। जिसको जिताना है आपको, आपको जाके वोट तो करना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जी। रहा सवाल आपने तमिलनाडु के ऊपर जब मेरे से पूछा है, तो मैं कहता हूँ कि अन्नामलाई जी के आने से जो वहाँ पे फ़र्क पड़ा है तमिलनाडु के अंदर, वो बीजेपी को एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर रहे हैं, बहुत ज़मीनी स्तर पे बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इस बार तमिलनाडु में बीजेपी को बहुत बेहतरीन फायदा देखने को मिलेगा, सीटों में ना देखने को मिले, हो सकता है, मैं सियोरिटी से नहीं कह सकता कि सीटों में देखने को मिले, बट वोटिंग परसेंट में बहुत ज़बरदस्त इजाफा बीजेपी को वहाँ मिलने वाला है।